कराची स्मिथ सिंह बर में कल भी कारोबार की मोहलत। कराची स्मिथ सिंह बर में कल भी कारोबार की मोहलत मिल गई। इतवार से सख्त पाबंदियों का नया हुक्म जारी कर दिया गया। नए हुक्मनामे के मुताबिक तमाम कारोबार, ईद बाजार और मार्केटें 9-16 मई बंद रहेगी। बेकरी, करियाना स्टोर, दूध, गोश्त और सब्जी की दुकानें सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी, जबकि शहरियों की नकल व हरकत भी महदूद की जाएगी। नए हुक्मनामे के मुताबिक बजी गाड़ियों में भी निसब नशस्तें खाली रखना होगी। दूसरे टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान 4 विकेट पर 268 रन। हरारे टेस्ट के पहले दिन के अजहर अली और आबिद अली की शानदार सेंचुरियों की बदौलत पाकिस्तान ने 268 रन बना लिए। आबिद अली 118 रन और साजिद खान 1 रन बनाकर विकेट पर मौजूद है। हरारे टेस्ट में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ओपनर इमरान बट 2 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन दूसरे विकेट पर अजहर अली और आबिद अली ने 236 रन की रिकॉर्ड शराकत बना डाली। अजहर अली ने करियर के 18वें सेंचुरी स्कोर की। आबिद अली ने टेस्ट में अपनी 3री सेंचुरी बना ली, लेकिन 80 ओवर्स के बाद जिम्बाब्वे ने नई गेंद ली, जिसके बाद पाकिस्तान टीम के विकेटें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। अजहर अली 126 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम मुसलसल दूसरे टेस्ट में भी नाकाम हुए और सिर्फ 2 रन बना सके, जबकि फवाद आलम भी 5 रन बना सके। पहले दिन के अख्तिताम तक पाकिस्तान ने 4 विकेट 268 रन बना लिए।